अहम चीज़ हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 की जो अभी बात आई है उसके तहत हमारा डिमांड यही है कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम जो चीज़ें लैकिंग देख रहे हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि इसमें सेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है। हम चाहते हैं कि इसमें डिसेंट्रलाइज हो, क्योंकि एजुकेशन कॉन्क्रीट लिस्ट में है, हमारे पास फेडरल स्ट्रक्चर है, हर स्टेट को आज़ादी देनी चाहिए कि वो अपनी पॉलिसी बना सकें, अपने स्ट्रक्चर पर डिस्कस कर सकें, क्योंकि हर जगह ट्रेडिशंस अलग है, कल्चर अलग है, लैंग्वेज अलग है, उस डाइवर्सिटी को सामने रखते हुए उस तरीके की पॉलिसी बनना चाहिए। हमारा जो अहम डिमांड इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत या फिर हमारी जो एनालिसिस रही है, हम जो रिकमेंडेशंस देने वाले हैं, उन तमाम चीज़ों में यही बात को हम कंक्लूड करने की कोशिश की है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशनल हो, डिसेंट्रलाइज हो और नॉन कमर्शियल होनी चाहिए। देखिए, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कम्युनिटी को फ़ायदा पहुंचाने वाली है। जैसे अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो बात रखे हैं कि सिर्फ संस्कृत लैंग्वेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, लेकिन इसमें हमारे पास क्लियर डिमांड है कि दो लैंग्वेजेस कंपलसरी हो, एक इंग्लिश लैंग्वेज हो, दूसरा जो है उनका मदर टंग हो, तीसरा जो कल्चरल और रिलीजियस उनकी लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज में वो जो लैंग्वेज चाहते हैं वो लैंग्वेज में लोग पढ़ सकें, कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज। क्योंकि अभी रिसेंटली ये लोग का जो डिमांड था, अभी बीजेपी के जो नेताओं का जो कहना है वन नेशन वन लैंग्वेज वन इलेक्शन, जिस तरीके से ये पूरा सेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये डिसेंट्रलाइज हो, कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज, कोई एक पर्टिकुलर इलेक्शन या इस तरीके की जो बात है, ये जो है यहाँ की डाइवर्सिटी को नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ है, इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाने वाली बात है, हम चाहते हैं कि इसको डिसेंट्रलाइज किया जाए। देखिए, इस पॉलिसी को देखा जाए तो इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्से हैं कि इसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात की है, अच्छे सजेशंस हैं, बस जैसे आरटी को एक्सटेंड करने 6 से 14 साल के बजाय 3 से 18 साल, ये बहुत अच्छा है। इसी तरह जो है कॉलेज के स्ट्रक्चर्स को बढ़ाने, एमफिल को ख़त्म करने, रिसर्च बेस्ड मास्टर्स डिग्री बनाने के, ये सब अच्छे हैं। बट मसला है कि दो सवाल पैदा होते हैं, एक इम्प्लीमेंटेशन का सवाल, दूसरा सवाल ये है कि जिस एंगल से किया जा रहा है, जिस अप्रोच से इस पॉलिसी को अप्रोच किया जा रहा है, वो प्रॉब्लमेटिक है। कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि सेंट्रलाइज बनाना, ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है, तो ये नहीं हो सकता, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इस तरह सेंट्रलाइज्ड नहीं बने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नहीं बन सकती, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग नहीं बन सकता, और उसी तरह जो है और भी जो सेंट्रल बॉडीज़ बनाए जाए नहीं बन सकते। इसमें काफ़ी सच्चाई है। इसकी वजह यह है कि जैसे एक मिसाल जो अभी जिक्र आए कि स्कूल सिस्टम, नेबरहुड स्कूल सिस्टम में आपको 3 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको एक स्कूल बनाना होता है सरकार को, लेकिन जब स्कूल क्लस्टर बनेंगे तो 15 किलोमीटर पे बनेंगे, 15 किलोमीटर पे कौन भेजेगा? जाहिर सी बात है, सिर्फ वो लोग भेज सकते हैं जो ट्रांसपोर्ट अरेंज कर सकते हैं, या वो स्कूल्स जो ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करेंगे, जिसके लिए जाहिर सी बात है फ़ीस लेंगे, तो अब उसको उनकी एक्सेसिबिलिटी किसके पास होगी? तो मुल्क ऐसा मुल्क, यानी जो लेटेस्ट 2019 की वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का 50.2% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो रिलेटिव पॉवर्टी में है, तो ऐसे में अफोर्ड ही नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, अक्सर स्टूडेंट्स आधे से पौना 3/4 ऑफ पॉपुलेशन के वो अपने बच्चों को जो है स्कूल भेजे, तो इससे एक्सेसिबिलिटी मुतासर होती है। कॉर्नरस्टोन ऑफ एनी एजुकेशन पॉलिसी ये होना चाहिए कि 3 चीज़ें इंश्योर होना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी, क्वालिटी और इक्विटी, सबको यकसा तौर पे मौके देने चाहिए कि वो एजुकेशन एक्सेस करें, क्वालिटी एजुकेशन हो, और तीसरा है सबके लिए इक्विटेबल अंदाज में हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, वो कंटेंट में भी नहीं, एक्सेस में भी नहीं, क्वालिटी में भी नहीं।